जय जोहार नमस्कार, मैं सुदामा वर्मा, वो आप मन देखा छत्तीसगढ़ टीवी। साथियों, आज हम आप लोगों को वर्मी कंपोस्ट की एक ऐसी यूनिट दिखाने जा रहे हैं जिसे संचालित कर रहे हैं हमारे सौरभ जंघेल जी, जिन्होंने मशरूम उत्पादन के लिए अपना एक नाम बनाया है, एक ब्रांड बनाया है। आप सभी जानते होंगे UKS मशरूम के नाम से जिसका प्रोडक्शन आता है, और मशरूम के ऊपर भी उन्होंने कई सारे उत्पाद बना के अभी हाल ही में मार्केटिंग चालू किए हैं। तो वही सौरभ भाई से आइए मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि एक वृहद, एक विशाल कहना चाहिए फर्म वर्मी कंपोस्ट का निर्माण करने के लिए, केचुआ खाद के निर्माण करने के लिए किस तरह से इतना बड़ा औद्योगिक रूप में इतने बड़े प्रोजेक्ट को कैसे संचालित कर रहे हैं। तो आइए मुलाकात करते हैं भाई सौरभ जंघेल जी से और जानते हैं कि किस तरह से केचुआ खाद का निर्माण वो कर रहे हैं। तो सौरभ भैया नमस्कार। नमस्कार। तो सौरभ भैया, सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ टीवी आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। एक पहली भी आप मन के साथ कहना चाहिए हम लोग वीडियो बना चुके हैं, है ना, मशरूम के लिए। तो बहुत अच्छा लगा आपका इतना बड़ा यूनिट देखकर। अभी कहना चाहिए हमारे आसपास में इतना बड़ा केचुआ खाद के लिए, विशेष जिसे हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, उसका उत्पादन इकाई इस तरह से जैसे आप बना रहे हैं या बना कर रखे हैं, अभी मैं कहीं नहीं देखा हूँ हमारे आसपास में। तो इतना बढ़िया इकाई संचालित करने के लिए छत्तीसगढ़ टीवी की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। तो सौरभ भैया, सबसे पहली तो आप हमको ये बताइए कि केचुआ खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट, जो ऑर्गेनिक खाद है कहना चाहिए, इसका निर्माण करने के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिला? दरअसल में मैं खुद एक किसान हूँ और जरूरत के अनुरूप किसान को चलना पड़ता है। तो जब मैं मशरूम का काम चालू किया तो पहले हमारे आसपास के वातावरण में अपने आसपास के संसाधनों को कैसे उपयोग किया जा सकता है, है ना, और हम जो हमारा एग्रीकल्चर वेस्ट है ना, उसको हम कैसे उपयोग कर सकते हैं और अपने खेती को कैसे सुदृढ़ बना सकते हैं, कैसे आय के स्तर को कैसे अच्छा बना सकते हैं और खेती की लागत को कैसे कम कर सकते हैं, इसमें विचार करने के बाद मैंने वर्मी कंपोस्ट का काम चालू किया और आवश्यकता विस्तार की जननी है। तो लगा कि आज खेत बंजर होते जा रहे हैं, है ना, धीरे धीरे उपजाऊ क्षमता खत्म होती जा रही है। आने वाले 10 साल के बाद जमीन की स्थिति क्या होगी, उसको सोच और विचार में रखते हुए मैंने वर्मी कंपोस्ट का अपना काम चालू किया 10 बेड से। अच्छा। और उसके साथ साथ ही मशरूम का काम और वर्मी कंपोस्ट का काम साथ साथ चालू किया था मैंने, और काम को आगे बढ़ाते गया और धीरे धीरे अपने खेत में, अपने फील्ड में उपयोग करते गया, और उसका फायदा भी मुझे निश्चित रूप से मिला। और मेरे मन में ये विचार आया, अगर ये चीज मेरे को फायदा मिल रहा है तो और भी किसान भाइयों को इसका फायदा मिलना चाहिए जरूर रूप से, क्योंकि हर कोई सक्षम नहीं हो पाता कि जैविक खाद बना पाए, और कई बार जानकारी का अभाव पाता है। बहुत सरल विधि है बनाना, लेकिन जानकारी के अभाव के कारण बना नहीं पाते लोग। तो बहुत सारे किसान हैं जो हमसे लेते हैं और अपने फील्ड में उपयोग करते हैं और हम उनको जानकारी भी देते हैं, और धीरे धीरे हमारा मेन उद्देश्य है व्यापार के साथ साथ, है ना, सामाजिक चेतना को और कृषि के और चेतना को बढ़ावा देना, और कृषि के क्षेत्र में एक अच्छा काम करना कि लोग, किसान जागरूक हो सके, अपने जमीन, जल, जंगल, वायु सारे चीजों को अच्छा रख सके, स्वस्थ रख सके, तो आने वाला भविष्य हमारा अच्छा होगा। इस कारण से वर्मी कंपोस्ट का काम मैंने चालू किया। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आप जैसे बताएं कि शुरुआत 10 बेड से किए थे, है ना, और उसे कहना चाहिए पहले हम लोग देखे थे, आज से करीब 2-3 साल पहले जब आए थे मशरूम का वीडियो बनाने के लिए, तो उस 10 बेड से शुरुआत करके आज आप टोटल कितना बेड तक के मतलब काम बढ़ा? अभी हमारा 150 बेड का काम चल रहा है ना, 150। अब हम लोगों ने नया यूनिट बनाया, इसमें पूरा स्पेशलाइजेशन करके पूरा सिस्टमेटिक यूनिट, पक्का यूनिट बना लिया है। 12 महीना हम इस पे काम कर सकते हैं और 150 टन की है अपने पास, 10x10 की, 10x10 का 150 टन की, है ना। तो सौरभ भाई ये बताइए, इतना बड़ा जैसे आप यूनिट अभी लगाए हैं,
तो इसमें काम कब से चालू किए हैं? इसमें एक आध बार प्रोडक्शन निकल चुका है या अभी पहली बार मतलब निकल? नहीं, ये प्रोडक्शन अभी चल ही रहा है काम। अभी ये यूनिट नया बना है हमारा। पहले अच्छा। तो हाँ, पहले साथ 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 था हमारा यूनिट, तो ये नया बना है। इसमें प्रोडक्शन अभी 5-6 महीना हो गया चालू है। अच्छा। तो कंटिन्यू अभी निकल रहे प्रोडक्शन। अच्छा, तो अगर इसका कहना चाहिए एक लागत कि अगर हम मान लो केचुआ खाद तैयार करने के लिए कोई छोटा मोटा अगर यूनिट बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि एक साथ तो कोई आदमी इतना बड़ा यूनिट बना ही नहीं पाएगा, है ना? और जिस स्तर पर आप पूरे सारे मशीनरी मतलब बिठा के रखे हैं, तो इतना तो एक बार में संभव नहीं है। तो कोई भी अगर युवा बेरोजगार इस तरह से काम शुरू करना चाहेगा, तो वो निश्चित है 2-4-5-10 बेड से चालू करेगा। तो इसके लिए थोड़ा सा लागत के बारे में अगर आप बताते हैं कि अगर एक बेड दो बेड किस तरह से उसको बनाना चाहिए, क्योंकि आपके पास पूरा अनुभव है, एक नया आदमी किस तरह से चालू करके इस काम को आगे बढ़ा सकता है, तो आप अपने तजुर्बे से ये बताइए कि अगर कोई नया चालू करना चाहे तो उसे किस तरह से मतलब प्रक्रिया दर प्रक्रिया आगे। कम से कम छोटे किसानों को 2 बेड से चालू करना चाहिए। अगर बड़ा किसान है तो 5-10 बेड लगा सकते हैं। अच्छा। और 2 बेड में लागत मूल्य बहुत कम होती है। अगर हमारे पास गाय है घर में तो और भी कम हो जाएगी। आप परमानेंट टंकी बना सकते हैं, एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है ना। और दूसरा आप कर सकते हैं कि आप टेम्परेरी नॉर्मल हम लोग बेड बना सकते हैं, जैसे कि पॉलीथिन बिछा के गोबर का वो लगा के बेड लगा के हम लोग वर्मी कंपोस्ट का काम चालू कर सकते हैं। बस शर्तें ध्यान रखना ये है कि छाया वाली जगह होनी चाहिए, या तो हम अपने बाड़ी में भी कर सकते हैं जहाँ पेड़ पौधे लगे होते हैं, और पेड़ के नीचे में जो छाया होता है उसके नीचे हम वर्मी कंपोस्ट का काम चालू कर ले, है ना। और जमीन से थोड़ा सा कोई भी जब वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं तो उस चीज का हमेशा ध्यान रखे कि वो जमीन से थोड़ा ऊपर हो, वहाँ पानी भराव कम नहीं होना चाहिए। अच्छा। अगर पानी भरा होगा जहाँ नमी होगी वहाँ केचुआ सरवाइव नहीं कर पाता। अच्छा। मर जाता है या फिर इधर उधर भग जाता है। तो ये 2 कारण है। अगर बेड में बना रहे हैं तो जमीन ऊंचा हो, है ना, और छाया वाली जगह हो, तो वर्मी कंपोस्ट का अच्छा उत्पादन होगा, खर्चा बहुत कम है, है ना। अगर 1-2-4 बेड से काम चालू करना चाहते हैं तो सिर्फ 2-4 किलो पॉलीथीन की आवश्यकता पड़ेगी, है ना, जो मार्केट में नॉर्मल पॉलीथीन मिलता है, और गोबर का बेड ही बनाना है बस। गोबर के बेड बनाने के बाद सबसे प्रमुख चीज है केचुआ। हम लोग जो केचुआ यूज करते हैं सीना फैटीडा का यूज करते हैं, ऑस्ट्रेलियन ब्रीड, जो सबसे बेहतरीन होता है केचुआ खाद बनाने के लिए। ऐसे बहुत सारी और अलग अलग वेरायटी है, लेकिन सबसे अनुकूल और हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में जो अनुकूल है, पूरे भारतवर्ष में अनुकूल है वो, है ना। तो हमारे यहाँ अच्छा प्रोडक्शन होता है इसलिए वो वेरायटी का यूज करते हैं। तो वो वेरायटी का आपको केचुआ लेना पड़ेगा। आप कहीं से भी परचेज कर सकते हैं जहाँ से मिलेगा आपको, या फिर हमारे पास से भी ले जा सकते हैं। तो जैसे अगर मान लो कोई किसान भाई आपके पास से वो केचुआ जो अभी आप नाम बताए कहना चाहिए, है ना, क्या बताया उसका नाम एक बार? आइसिना फेटिडा। तो ये वैरायटी का अगर केचुआ आपसे खरीदना चाहे तो आप कितनी मात्रा में सप्लाई कर सकते हैं? आप जैसे किसान को आवश्यकता है, कम से कम हम लोग 5 केजी से ऊपर ही सप्लाई करते हैं, क्योंकि 1-2 केजी भेजने में भी दिक्कत होता है। हाँ। या अगर कोई किसान आ जाता है तो 2-4 केजी भी ले जा सकता है, लेकिन कोई भी किसान को कम से कम 10 किलो केचुआ लेना चाहिए। 10 किलो केचुए लेने के बाद ही उसका अपना जनरेशन बढ़ता है। वैसे 1 किलो से भी बढ़ा सकते हैं, बढ़ाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब हम लोग बहुत टाइम लगेगा, फिर आप एक बेड तैयार करें तो कम से कम 10 किलो 12 किलो 15 किलो 25 किलो तक के आप केचुआ डाल सकते हैं। अच्छा, मतलब एक बेड में 10 केजी से लेके 25 किलो तक केचुआ। जितना ज्यादा केचुआ होगा उतने ज्यादा तेजी से प्रोडक्शन आपका बनेगा और उतना ज्यादा उसका जनरेशन बढ़ेगा। अच्छा अच्छा, मतलब अगर हमें जल्द से जल्द अगर रोटेशन करना है, खाद बनाना है, तो केचुआ आपको ज्यादा जितना ज्यादा केचुआ रहेगा उतनी ज्यादा फीडिंग करेगा, उतना ज्यादा खाना खाएगा, उतना ज्यादा अपना वो मलमूत्र निकालेगा, उतना ज्यादा खाद बनेगा। जी जी, वैसे अगर औसत पैमाना अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा नहीं ना, बहुत कम नहीं, तो कितना केजी एक बेड में? मिनिमम 10 केजी शुरुआत में कम से कम। अच्छा, अपन डाल सकते 10x10 के में, है ना। वैसे तो हम लोग 20-25 की जो 30 केजी भी डालते हैं, लेकिन मिनिमम 10 केजी केचुआ होना चाहिए। अच्छा, तो ये तो हुआ केचुआ की बात। अब जैसे छाया वाला जगह नहीं है सौरभ भैया, है ना, जैसे आपके यहाँ छाया वाला जगह नहीं है, तो आप तो पूरा कहना चाहिए इतना बढ़िया सेट बनाए हैं, लेकिन हर आदमी इतना कहना चाहिए सरवाइव नहीं कर पाता। तो जो गरीब स्तर से कहना चाहिए, गरीबी स्तर में जो पले बढ़े हैं और गरीबी स्तर से इस तरह के काम अगर चालू करना चाह रहे हैं, तो उनको इसका कोई विकल्प आपके नजर में क्या विकल्प? ओपन फील्ड में भी हम लोग ओपन फील्ड में अगर बिना सेड बनाए भी अगर हम वर्मी कंपोस्ट का काम चालू करते हैं तो निश्चित रूप से किया जा सकता है। और ओपन फील्ड में बेड बना के किया जाता है, बट उसमें
जब हम प्रोडक्शन चालू करते हैं तो ऊपर से बोरा बिछाना पड़ता है बेड में, या फिर पराली का एक मोटा परत लगाना पड़ता है, जिससे कि क्या है, गोबर जो केचुआ होता है, केचुआ की जो प्रजाति जीव है वो है ना, किसान मित्र है, तो उसकी आदत होती है कि वो अंधेला ही पसंद करता है और अंधेले जगह में ही रहता है वो, है ना। तो उसको फीडिंग करने के लिए ज्यादा एकदम उजाला नहीं होना, तो उसको कोई ना कोई तरीके से कवर करना, नॉर्मल फील्ड में भी हम कर सकते हैं, जमीन से ऊपर होना चाहिए, अपना बेड बनाइए आप, है ना, आप लंबाई कितना भी बना सकते हैं, लेकिन चौड़ाई को हमेशा ध्यान रखिए, 2.5 फीट से 3 फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2.5 से 3 फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 3 फीट चौड़ाई, हाँ चौड़ाई एकदम 3 फुट और लंबाई आप 10 भी ले सकते हैं, 20 भी ले सकते हैं, है ना, अपने अनुरूप ले सकते हैं। अगर शुरुआत में काम चालू कर रहे हैं तो 10 फीट लीजिए, है ना, और चौड़ाई 3 फीट लीजिए, बेड बनाइए उसका, गोबर का ढेर बनाइए, और ढेर बनाने के बाद उसके ऊपर आप अच्छा पानी पहले डालिए और गोबर को चेक कीजिए कि उसमें ज्यादा गर्म थोड़ी ना है गोबर, है ना, उसमें हीट थोड़ी ना है, जैसे अगर आप हाथ डाल के देखिए, अगर वो गोबर आपको ठंडा लगता है तो उसमें फिर आप केचुआ छोड़ देते हैं, केचुआ छोड़ने के बाद पराली पैरा से उसको पूरा ढक दे या नेट से ढक दे, है ना, तो उससे क्या है, ज्यादा उजाला है वो उसके अंदर ज्यादा ना जा पाए, तो केचुआ अपना आराम से अपना प्रक्रिया चालू कर देता है। अच्छा, तो इसमें जैसे पानी डालने का आपके यहाँ भी हम देख रहे हैं लगातार पानी का, कहना चाहिए एक तरह से गोबर के ऊपर पानी डाल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, कितना पानी मतलब जाना चाहिए, कब कब जाना चाहिए? शुरुआत में थोड़ा सा ज्यादा पानी लगता है, जब केचुआ शुरुआत में जब गोबर डालते हैं तो उस समय नमी बना के रखते हैं, जितना अच्छा नमी रहेगा तो केचुए की जनसंख्या थोड़ी सी बढ़ती है, केचुए की जनसंख्या जितनी अच्छी बढ़ेगी उतना ज्यादा फीडिंग होगा। उसके बाद धीरे धीरे पानी, हम लोग बरसात और गर्मी में दोनों में अलग अलग पानी होता है, बरसात के दिन में 3 दिन में 4 दिन में 5 दिन में भी देते हैं कभी कभी पानी, लेकिन 3 दिन में देते हैं, और गर्मी के दिन में डेली पानी देना पड़ता है। अच्छा। क्योंकि ज्यादा हीट होता है तो वाष्पीकरण से जो है वो पानी उड़ जाता है, तो इस कारण से पानी गर्मी के दिन में ज्यादा देना पड़ता है, लेकिन जब अगर खाद बनना एक बार चालू हो जाए, है ना, तो पानी हम 3-4 दिन के बाद देते हैं और अपना खाद कलेक्ट करते हैं। अच्छा, मतलब ऊपर से जो खाद बन रहा है उसे निकालते जाते हैं और पानी डालते जाते हैं। तो सौरभ भैया, जैसे आप बताए कि कम से कम 10 किलोग्राम एक बेड के लिए केचुआ चाहिए, तो अगर हम इसी औसत से अगर पकड़े हैं, तो 10 किलोग्राम अगर जैसे हम एक बेड में डाले हैं तो कितने दिन के बाद में हमें कहना चाहिए खाद प्राप्त होगा? आप 10 किलो केचुआ डाले हैं तो कम से कम बढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10 किलो केचुआ पर्याप्त नहीं होता उतने के लिए। अच्छा, है ना, जनसंख्या कम होती है तो कम से कम 60 से 70-80 दिन तैयार होने में लगेंगे खाद निश्चित रूप से, है ना, लेकिन पहले आपको केचुआ बढ़ाना पड़ेगा, नमी मेंटेन करना पड़ेगा, जैसे केचुआ बढ़ेगा फिर उतना तेजी से आपको खाद देना चालू हो जाएगा। और मान लो अगर हम 10 के बजाय 25 किलो उसमें केचुआ डाल दें तो कितने दिन में तैयार? 50 दिन में तैयार हो जाएगा, जितना ज्यादा केचुआ रहेगा उससे जल्दी रोटेट होता है काम। ठीक, मतलब केचुआ के संख्या है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितने दिन में वर्मी कम्पोस्ट तैयार कर सकते हैं। तो ये तो हुआ वर्मी कंपोस्ट मतलब खाद तैयार करने के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी। अब ये बताइए कि वर्मी कंपोस्ट जैसे हम खाद तैयार कर रहे हैं तो गोबर का ही एक रूप है वो, है ना, तो वर्मी कंपोस्ट में और गोबर जो अपना जो हमारा इसी कंपोस्ट होता है गोबर का जो कंपोस्ट खाद है और वर्मी वाला कंपोस्ट है, दोनों में क्या अंतर है? बहुत अंतर रहता है, जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, बोरान है, जिंक है, कैल्शियम है, जितने भी पोषक तत्व हैं 16 प्रकार के, वो सारी चीजें गोबर में भी विद्यमान होती है, वर्मी कंपोस्ट में भी होती है, लेकिन जब गोबर कच्चा होता है, जब गोबर पका नहीं होता, तो उसमें कई प्रकार की गैस होते हैं निश्चित रूप से, और मात्रा तो होती है लेकिन उसको सड़ाना पड़ता है, उसके बाद मात्रा आती है, जब कोई भी चीज कंपोस्ट हो जाता है तब उसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू विद्यमान होते हैं। हाँ, तो गोबर और इसमें ये अंतर है कि गोबर में थोड़ी मात्रा कम होती है ना, और वर्मी कंपोस्ट में मात्रा ज्यादा होती है, उसका कारण ये है, केचुआ एक ऐसा प्राणी है जिसके जो लार होते हैं उसकी शारीरिक बनावट क्षमता उसको वैसी ही बनाया गया है, उसमें बहुत सारे ऐसे लार और एंजाइम और जो भी उसके अंदर जो केमिकल बनता है वो जब फीडिंग करता है तो उससे जब उस खाद बन के निकलता है तो जो उसके अंदर जो विद्यमान गुण होते हैं वो पूरे खाद के रूप में खाद में आ जाते हैं। अच्छा। इस कारण से केचुए को किसान का मित्र कहा गया है जी। और उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस सारा चीज की मात्रा गोबर से अधिक होती है, इसलिए वह
मतलब वो कहना चाहिए जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू है उससे गोबर से ज्यादा होती है। मुख्य रूप से 16 प्रकार के जो पोषक तत्व तो गोबर में पाए जाते हैं वही इसमें भी पाए जाते हैं, लेकिन इससे जब उसे फीडिंग करके निकालता है तो वो जो पोषक तत्व है उसका मात्रा बढ़ जाता है है ना, ज्यादा पोषक बन जाता है। अच्छा, तो इसके ऊपर अब जैसे मान लो कोई किसान भाई अब केचुआ खाद के ऊपर अगर खेती करना चाह रहे हैं तो एक प्योर केचुआ खाद के ऊपर खेती करना संभव है कि हमें जो केमिकल खाद है जिसका आदत हमारे खेतों को लगा है तो उसको धीरे धीरे छोड़ना चाहिए, किस तरह से सही निश्चित रूप से सही प्रक्रिया है? सही प्रक्रिया ऐसा है कि हम जैसे जैविक रूप से खेती कर रहे हैं तो निश्चित रूप से कोई भी किसान एक साथ नहीं छोड़ पाता, तो आप रेशियो बनाइए, शुरुआत साल जैविक को 30% यूज कीजिए है ना, केमिकल को 70% कीजिए, दूसरे साल में आप 50% में जैविक में आ जाइए है ना, उसके बाद 70% में आ जाइए है ना, 80% में आ जाइए, फिर उसके बाद 100% में आ जाइए, तो ये क्या है 3-4 साल टाइम लगता है उसको सुधारने में, तो आप ऐसे धीरे धीरे जाएंगे ना तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, आपका प्रोडक्शन भी कम नहीं होगा और जैविक के क्षेत्र में आप तुरंत आ जाएंगे, उसके बाद फिर कंटिन्यू जैविक उपयोग कीजिए, 3 साल में आपका पूरा जमीन जैविक हो जाएगा, उपजाऊ क्षमता बढ़ जाएगी, तो कम से कम 5 अगर कोई हम एक उदाहरण दे के बताना चाहूंगा, जैसे कि मैं नशा पान पत्ती या कोई भी गलत आदत कर रहा हूँ और मैं उसको 20 से 25 साल हो गया करते या 10 से 15 साल हो गया करते, तो मेरा शरीर बिगड़ चुका है जी जी। या हाँ, मेरे अंदर परेशानी आ गई है, पूरी रूप से परेशानी नहीं आई है लेकिन परेशानी आ गई है, मेरे को समझ में आना चालू हो गया, लेकिन उसको ठीक करने में कोई अगर जो आदत मेरे को 20 साल से लगा हुआ है उसको सुधारने में मेरे को कितना टाइम लगना चाहिए? तब कम से कम 3-4 साल तो सुधारने में टाइम लगेगा। हाँ, शरीर को स्ट्रांग करने में वैसी जमीन है, हम 25 से 30 साल से 40 साल से मतलब 20 से 25 साल हो गया केमिकली रूप से खेती कर रहे हैं है ना, केमिकली रूप से खेती कर रहे हैं, अपनी जमीन को बिगाड़ चुके हैं, कठोर कर चुके हैं। अगर कोई भी किसान बोलता है कि ये जैविक रूप से 1 साल में ठीक हो जाए 2 साल में ठीक हो जाए तो संभव नहीं है, अगर बिगाड़ने में उसको 25 साल दिए हैं हाँ। तो ठीक करने में तो कम से कम 3-4 साल तो 5 साल तो देना पड़ेगा उसको जी, 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 तो निश्चित रूप से जैविक बहुत अच्छा ऑप्शन है, उत्पादन भी बढ़ता है धीरे से, लेकिन एक साथ नहीं होता, अगर हम किसी चीज को 20 साल 25 साल बिगाड़ने में समय दिए तो उसको अच्छा करने में कम से कम 3-4 साल तो 5 साल तो आपको समय देना ही पड़ेगा निश्चित रूप से है ना, इस चीजों को किसानों को समझना पड़ेगा और किसानों को जैविक खेती में आना पड़ेगा तभी यह संभव है। जी जी बिल्कुल। अभी मैं कुछ दिन पहले पेपर में पढ़ा हूँ, सौरभ भाई आप भी पढ़े होंगे, कि जैविक का जो फील्ड है ना, जैविक खेती का जो फील्ड है उसमें छत्तीसगढ़ सबसे बड़ा मतलब क्षेत्र भी दिखाया गया था कि जैविक खेती करने वाले में सबसे बड़ा रकबा छत्तीसगढ़ का, उसके बाद मध्य प्रदेश का स्थान था, उसके बाद राजस्थान और गुजरात वगैरह था। तो ये पढ़ के मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे छत्तीसगढ़ जो है जैविक खेती में आगे आ गया है और वो भी इतने बड़े रकबा के साथ कि पूरे देश में कहना चाहिए प्रथम स्थान आ गया कहना चाहिए। तो इसी सिलसिले में आप ये बता दीजिए कि अगर कोई किसान जैसे शुरुआत करना चाह रहे हैं तो एकड़ में जो केचुआ खाद आप तैयार कर रहे हैं है ना, तो उसकी मात्रा कितना कितना उसे देना चाहिए और उसके साथ में और किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, इसके ऊपर थोड़ा सा आप अपना तजुर्बा। आप जैविक खेती में जाते हैं तो शुरुआती दौर में खाद की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है, अगर जमीन को सुधारना है तो थोड़े खर्चे तो वहन करने पड़ेंगे और निश्चित रूप से खाद इतना महंगा भी नहीं होता, जैविक खाद आप अपने घर में भी बनाइए है ना, खुद परचेज कर लीजिए, अपने घर में गोबर होता है या गोबर है तो उसको कंपोस्ट, और जरूरी नहीं है कि वर्मी कंपोस्ट ही बनाना, बहुत सारी मेथड है जैविक खेती करने के, अलग अलग तरीके हैं, आप अलग अलग तरीके अपना सकते हैं। और ये जैसे कि कोई अगर अपना 1 एकड़ में अगर खाद डालना चाहे तो निश्चित रूप से 500 से 600 किलो वर्मी कंपोस्ट डालना चाहिए, अगर वेजिटेबल फार्मर है तो 1 टन 1 एकड़ में। अच्छा। और नॉर्मल अगर हम जो अपना धान चने धान चना कर रहे हैं तो 500-600 किलो आपको वर्मी कंपोस्ट प्रति एकड़ डालना पड़ेगा शुरुआत में, लेकिन जस्ट सेकेंड साल है ना वो 30-40% कम हो जाएगा, फिर अच्छा। उसके 1 साल कम हो जाएगा, फिर आप हर साल 1 क्विंटल डालिए कोई दिक्कत नहीं, मतलब शुरुआत में 3 साल शुरुआत में 3 साल आपको खाद की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है जैविक में है ना, और जब इतना बिगड़ चुका है जमीन तो उतना तो आवश्यकता पड़ना ही है क्योंकि सारी चीजों को मेंटेन करना जमीन में है ना, तो जैविक के माध्यम से हो सकता है, वो फंगस जो बैक्टीरिया है हमारे लाभदायक बैक्टीरिया है, ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास है ना, एजोटोबैक्टर है ना,
तो ऐसे सारे बैक्टीरिया है जो लाभ सीधे डायरेक्ट रूप से जैविक खाद के रूप में है ना, वर्मी कंपोस्ट के रूप में जमीन को फायदा पहुंचाते हैं। चलो बहुत बढ़िया सौरभ भैया, अब जैसे आप बताए कि कई मेथड है जैविक के, है ना, जैविक खेती करने के कई मेथड है, उसी मेथड में से कुछ मेथड कहना चाहिए आप अपना रहे हैं और प्रोडक्शन निकाल रहे हैं अलग अलग चीज, तो मैं जानना चाहूंगा जो अभी हमारे सामने में रखा हुआ है ये कौन कौन सी चीज है और ये किस किस कहना चाहिए उपयोग में आता है। दरअसल में हम वर्मी कंपोस्ट भी बना रहे हैं, है ना, वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ वर्मी कंपोस्ट में हम लोग रॉक फास्फेट का भी उपयोग कर रहे हैं। तो किसानों को जो फास्फोरस की पूर्ति होनी चाहिए जमीन में, जैसे कि लोग डीएपी ज्यादा बोलते हैं 18-46, तो हम डायरेक्ट रूप से किसानों को डीएपी फास्फोरस की मात्रा जमीन में उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, वर्मी कंपोस्ट के रूप में। वर्मी कंपोस्ट में हम वो रॉक फास्फेट मिला देते हैं जिससे फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाती है। दूसरा है जैसे कि बहुत सारे किसान हैं जो उनारी के माध्यम से खेती करते हैं, है ना, अपना बीज उनारी के माध्यम से करते हैं, जैसे हाथ से छिड़कना है तो वो तो वर्मी कंपोस्ट पाउडर को माध्यम से दानेदार के माध्यम से कुछ भी छिड़क सकते हैं, लेकिन जैसे उनारी करना है तो लोगों को दानेदार लगता है, तो हम दानेदार भी तैयार कर रहे हैं उसके लिए। अच्छा। उसको हम, हमारा नाम है प्रोम हमारे प्रोडक्ट का। अच्छा। और उसको हम एक प्रकार से अगर जैविक डीएपी बोले तो कोई गलत नहीं है। अच्छा। क्योंकि उसमें फास्फोरस की मात्रा ज्यादा होती है, डीएपी इतना तो नहीं होता लेकिन फास्फोरस की मात्रा ज्यादा होती है जो जमीन को डायरेक्ट उपलब्ध होती है और यह लीचिंग नहीं होती है फास्फोरस, सीधे डायरेक्ट जमीन को मिलती है और घुलनशील है, डायरेक्ट पौधे को ऑब्जर्व कराती है ये फास्फोरस। जो डीएपी के रूप में लेते हैं वो मतलब सिर्फ पौधा 20% उपयोग कर पाता है, 80% वो लीचिंग के माध्यम से जमीन के अंदर चले जाते हैं, लेकिन यह जमीन में जाते ही पौधे को भी विद्वान होता है और जमीन को भी विद्वान होता है, जिससे कि उपजाऊ क्षमता बढ़ती है, पोर्सिटी बढ़ती है ना, जल धारण क्षमता बढ़ती है ना, मृदा स्वस्थ होता है। तो जैविक के अनेक फायदे हैं, तो दानेदार के रूप में और ये दोनों प्रोम और दानेदार दोनों वर्मी कंपोस्ट प्रोम ये दोनों बना रहे हैं। अच्छा, और ये जो छोटे छोटे ये जो पैकेट हैं ये दरअसल में छोटे पैकेट है किचन गार्डन के लिए बना रहे हैं हम लोग, जो शहरों में किचन गार्डन या बाड़ी के लिए उपयोग करते हैं, तो उनके लिए छोटा पैकेट और किसानों के लिए तो 25 किलो और 50 किलो में बड़े पैकेट। अच्छा, तो लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि अगर जैसे हमें खरीदना है, किसी भी किसान भाई को खरीदना है, तो अभी क्या कास्ट में आप दे रहे हैं? रेट तो अभी आपको मैं नहीं बता पाऊंगा, उसका कारण ये है कि रेट हमेशा एक समान नहीं होता। अच्छा। है ना, जैसे कि मैं आपको आज ये कोई रेट बोल देता हूँ, हाँ, बाद में तो फिर वो दिक्कत हो जाता है ना, तो कम ज्यादा मार्केट में जैसे कि रॉ मटेरियल जिस हिसाब से रेट होता है वैसे रेट ऊपर नीचे होते जाता है, लेकिन आपको यहाँ सबसे कम रेट में ही मिलेगा जो, और क्वांटिटी के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना परचेज कर रहे हैं, कितना परचेज ना, तो उसके ऊपर निर्भर करता है कि रेट क्या है। और अक्सर रूप से हम किसानों को कम से कम रेट में उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं। तो चलो सौरभ भैया, बहुत अच्छा लगी आपके साथ बातचीत करके।